बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं नो फ्लेम कुकिंग से एक स्वीट डिश। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिठाई हम बनाने वाले हैं। ये कोकोनट पाउडर और मिल्क पाउडर से बनने वाली है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और 10 मिनट में बन करके बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक बाउल, उसमें डालेंगे हम कोकोनट। तो मैंने यहाँ पर 1 कप कोकोनट लिया है, ये डेसिकेटेड कोकोनट है, आप इसे कोकोनट का बूरा भी बोल सकते हैं। अब हम डालेंगे शुगर। तो मैंने यहाँ पे शुगर का यूज़ ना करके स्टीविया का यूज़ किया, यानी कि जिंदगी स्टीविया। तो गाइज़, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें जो है 0 कैलोरीज होती हैं, साथ ही साथ 0 कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और ऐसा नहीं है कि कोई इफ़ेक्टेड कलर्स हैं या फिर कोई भी इफ़ेक्टेड इन्ग्रीडियंट्स हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आपको यूज़ ज़रूर करनी चाहिए। तो अब हम डालेंगे इसमें दूध। तो मैंने यहाँ पर 1/3 कप दूध लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गाइज़, ये चीनी से आधा लगता है, यानी कि अगर आप 4 चम्मच चीनी का इस्तेमाल करोगे ना, तो उसमें सिर्फ ही 1 चम्मच जाएगा, और इसका जो टेस्ट है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो गाइज़, ज़िंदगी स्टीविया ज़रूर यूज़ कीजिए। उसे मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप मिल्क पाउडर ऐड किया है, जो कि ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। घी ज़रूर ऐड कीजिएगा, घी डालने से ना आपकी जो मिठाई है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हमें इसमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं करनी है, बस इसी को अच्छे से मिक्स करना है। कोकोनट में जो मिल्क पड़ा हुआ है, उसी के साथ ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा और एक बहुत अच्छा डो फॉर्म में रेडी हो जाएगा। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, इसे अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद इसमें एक अपने आप ही एक चिकनाहट आ जाएगी, जो आपकी आपकी स्वीट डिश को जमाने के लिए बिल्कुल सही होती है। तो आप देख सकते हो, बस इसी तरीके से आप मिक्स करते जाओगे तो ये बिल्कुल डो की फॉर्म में रेडी हो जाएगा। ये यहाँ पे रेडी हो चुका है, आप इसमें शाइनिंग देख सकते हैं। तो अभी लेना है हमें एक बर्तन, उसमें लगाना है पेपर। आप बटर पेपर ले सकते हैं, नॉर्मल पेपर ले सकते हैं, बस उसे घी से ग्रीस कर लीजिए। अब हमने जो डो बनाया है उसको इसमें अंदर सेट कर देंगे, यानी कि जो हमारी बर्फ़ी का डो है वो इसमें अच्छे से सेट कर लेंगे। स्पैचुला की हेल्प से आप इसे अच्छे से सेट कर दीजिए, उससे क्या है ना, ये कटिंग होगा तब आपकी मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो लीजिए, ये अच्छे से सेट हो चुकी है, आप इसकी शाइनिंग भी देख सकते हैं। इसको गार्निशिंग करने के लिए मैं यहाँ पर पिस्ता का यूज़ कर रही हूँ। तो आप पिस्ता का यूज़ कर सकते हैं, आप अपने फेवरेट किसी भी ड्राई फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या है, आपकी मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, यम्मी लगती है, लुक बहुत अच्छा आता है। अच्छे से स्पैचुला से दबा दीजिए ताकि इसका पिस्ता इधर उधर भागे नहीं। तो लीजिए, 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसे सेट होने के लिए, और 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम इसको नाइफ से जो है क्लियर कर लेते हैं, यानी कि जो साइड में अगर नाइफ से कुछ बच गया होगा तो वो अच्छे से निकल आएगा। अब इसके पेपर को हम बाहर निकाल लेते हैं, और ये देखिए कितना इजीली ये बाहर निकल आया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप चाहो तो बड़े बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं, चाहो तो छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं। पहले मैंने सेंटर से कट किया है, अब हम साइड से कट करेंगे। इससे क्या है ना, आपके जो बर्फ़ी के पीसेस हैं वो बहुत अच्छे से निकल आएंगे। और आप देख सकते हो, हमारी जो बर्फ़ी है वो बहुत ही आराम से कट रही है। इसके छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं या बड़े बड़े पीसेस कर सकते हैं। तो लीजिए, मैंने इस तरफ से 3 पीस किए हैं और उस तरफ से 4 पीस किए हैं। हमारी बर्फ़ी बहुत अच्छी बन करके रेडी हुई है, इसमें गैस का यूज़ नहीं हुआ। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से जम चुकी है, बहुत अच्छा इसका टेक्स्चर आया है और बहुत अच्छे से सेट भी हो चुकी है। तो लीजिए गाइस, हमारी बर्फ़ी बन के रेडी है, इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हमारी जो बर्फ़ी है वो बिना कुक फ्लेम के बनी है, यानी कि हमने नो फ्लेम कुकिंग बनाई थी, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके रेडी हो चुके हैं। 10 मिनट में आपकी जो बर्फ़ी है वो बन करके रेडी हो जाती है, आप एनी टाइम अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं इसे ब्रेक करके दिखाती हूँ कितनी इजीली ब्रेक हो जाती है। कहीं से भी टूटी नहीं है, बिखरी नहीं है, बहुत अच्छे से सेट हुई है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनी है। थोड़े से सामान से आप इतनी टेस्टी बर्फ़ी बना सकते हैं। तो गाइज़, बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। साथ में वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।